everyone. Very good morning and namaste to all of you. Aaj hai 14th October and I, Suchi Rana, welcomes you all in today's current affairs session. So, aaj ke current affairs session mein bhi kuch important questions honge, jo aapke current mein, jo daily newses mein hue honge, wahi sare topics honge, jo hum MCQ base mein hum cover karte hain. So, current affairs session shuru karte hain. Aap PDF download kar sakte hain through our Telegram channel. Link description box mein already provided hai. So, ab shuru kare aaj ka current affairs session with me, Suchi Rana. So, let us see what we have today. So, first question says, International Day for Disaster Risk Reduction 2020 is observed on. आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है. तो यहाँ पर हमें तारीख बतानी है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है. सो ऑप्शन देख लेते हैं, 13 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर. यहाँ पर अपने स्कोर्स मार्क करते हुए चलेगा कितने आपके आज का स्कोर रहा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज आपने कितना सीखा है और आपको कितना पता था. ठीक है, सो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 अक्टूबर को. हर साल हम इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेलिब्रेट करते हैं. इसका उद्देश्य क्या है कि हम एक ऐसा ग्लोबल कल्चर तैयार कर सके जिसमें लोगों को हम रिस्क अवेयरनेस दे सके और डिजास्टर रिडक्शन के उपाय या तरीके बता सके. सो इस साल 2020 में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स. इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है 2020 के अंदर. ऑप्शन देखिए, 129 या 158. सो भारत की जो रैंकिंग है वो है 129. अब इसमें 158 कंट्रीज थी टोटल, जिसमें से भारत की जो रैंकिंग आई है वो 129 आई है. कौन सा इंडेक्स है जिसमें हम इनइक्वालिटी को कम करने की बात करते हैं, यानी कि जो इक्वालिटी लोगों के बीच होनी चाहिए, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, गर्ल हो, बॉय हो, जेंडर इक्वालिटी हो. सो वहां पर जहां पर भी इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको कम करने के लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक 129वीं है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेम द विनर ऑफ 2020 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस. आर्थिक विज्ञान में 2020 के नोबेल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए. आइए ऑप्शन देख लें, पॉल आर मिलग्रूम एंड रॉबर्ट बी विल्सन या फिर रिचर्ड थैलर एंड ऑलिवर हार्ट. सो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल आर मिलग्रूम एंड रॉबर्ट बी विल्सन. इनको इस साल मिला है 2020 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस. अगर बात करें कि इकोनॉमिक साइंस के अंदर अवार्ड्स कब से शुरू हुए, सो 168 से. किस लिए दिया जाता है, फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस. प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा. आई होप इट्स क्लियर. यहाँ तक सभी कुछ क्लियर होगा. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द 16-year-old आवा मुर्टो वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर अ डे. 16 वर्षीय इवा मुट्रो को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक दिन के लिए नियुक्त किया गया था. ऐसा सिमिलर केस इंडिया में भी मिला था, जहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एज अ ब्रिटिश हाई कमिश्नर के तौर पर हमारे इंडिया के अंदर भी एक गर्ल को, एक वुमेन को यहाँ पर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया गया था, जिसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था. इफ यू डोंट नो अबाउट दैट, जस्ट गो ऑन द प्रीवियस वीडियो एंड चेक दैट आउट. सो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, नीदरलैंड्स या फिनलैंड. सो ये जो 16-year-old इवा मुर्टो हैं, इनको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया कौन सी कंट्री का. सो नीदरलैंड्स या फिनलैंड. तो यहाँ जो सही आंसर है वो है फिनलैंड. फिनलैंड में इवा मुर्टो को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और ये जो प्रोग्राम था ये यूएन का एक प्रोग्राम है, उसके तहत अनाउंस ये जो प्रोग्राम है वो किया गया, जिसका नाम है गर्ल्स टेक ओवर प्रोग्राम. ऑर्गेनाइज कौन कराता है, यूएन कराता है. और कब किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जब सेलिब्रेट करते हैं हम 11 अक्टूबर को, उसी के टाइम पर ये जो प्रोग्राम है अराउंड द वर्ल्ड किए जाते हैं बाय यूएन. इंडिया में भी सिमिलर हुआ, जिसमें चैतन्य वेंकटेश्वरन उनको एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया. ठीक है, और ये किस लिए किया जाता है कि जेंडर इक्वालिटी प्रमोट की जा सके, लोगों को जेंडर इक्वालिटी के बारे में समझाया जा सके, इसके लिए यूएन के द्वारा ये प्रोग्राम्स किए जाते हैं. सो इवा मुर्टो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया फिनलैंड का. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन. किस राज्य सरकार ने एक मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन शुरू की है. सो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, किसने शुरू किया है, हरियाणा या फिर उत्तराखंड. आंसर मार्क कीजिए यहाँ पर, और जो सही आंसर है वो है हरियाणा. हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन, जो फुल्ली इक्विप्ड है विद मल्टी
पैरामीटर सिस्टम जिसके अंदर एनालाइजर्स है, सेंसर है, प्रोब्स है और डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वाटर क्वालिटी को असिस करेंगे या नापेंगे या उसका परीक्षण करेंगे। ठीक है, अब जो वाटर क्वालिटी है हरियाणा की वो मेनली कुछ चीजों की वजह से इफेक्ट हो रही है, जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन और एल्किनिटी जो प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर। सो इसी की वजह से वहां पर हरियाणा की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एक वैन जो कि टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन होगी और ये अलग अलग तरीके से वाटर की क्वालिटी को असेस करेगी, उसका उसमें कितना फ्लोराइड है, टर्बिडिटी कितनी है, माइक्रो बायोलॉजिकल टेस्ट होंगे, क्लोरीन कितना है, हार्डनेस कितनी है वाटर की, पीएच कितना है, जिंक कितना है, ये सारी चीजें ये जो वैन होगी ये वाटर टेस्टिंग करेगी, वाटर क्वालिटी का मापन करेगी, परीक्षण करेगी। सो हरियाणा की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है। आई होप इट्स क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state became the first state in the country that have made the public education completely digital? कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है? ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र या फिर केरला। आंसर मार्क कीजिए यहाँ पर और जो सही आंसर है वो है केरला। केरला ने ये जो माइलस्टोन है वो अचीव किया है 2 साल के अंदर, जब से ये इनिशिएटिव लागू किया गया तब से 2 साल लगे हैं केरला को इस माइलस्टोन को अचीव करने में। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ये कहता है कि केरला में 93.91% के बच्चे जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बाकी और स्टेट्स के मुकाबले जो जनरल एजुकेशन प्रोटेक्शन मिशन के तहत आते हैं। अंडर द मिशन लर्निंग लेवल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ केरला हैज इंक्रीज्ड। ये इस मिशन के तहत ये जो रिपोर्ट बताती है ये बताती है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां के अंदर जो लर्निंग का लेवल है, जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है वो इंक्रीज हो गई है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। थस द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग बेटर, और इसीलिए जो स्टूडेंट्स है वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, तो आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? ऑप्शन देख ले, लॉस एंजलिस लेकर्स या फिर मियामी हीट। तो ऑप्शन जो सही यहाँ पर है वो है लॉस एंजलिस लेकर ने अपना 17वां एनबीए टाइटल जीत लिया है और उनका ये जो आई थिंक ये 2010 के बाद उनका ये टाइटल विन है। सो और इस साल लीबॉन जेम्स को लीबॉन जेम्स ऑफ द लेकर्स वॉज नेम्ड एज द एनबीए फाइनल्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो अवार्ड है वो किसके नाम गया है, लीबॉन जेम्स के नाम, जो लेकर्स टीम से है, लॉस एंजलिस लेकर्स से है वो। सो उनको मिला है एनबीए फाइनल्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब फॉर द फोर्थ टाइम इन हिज कैरियर। ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि लीबॉन जेम्स को चौथी बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है बाय एनबीए। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज कैबिनेट ऑन अक्टूबर 12 अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट लॉ टू इंक्लूड द डेथ पेनल्टी एज द हाईएस्ट पनिशमेंट फॉर रेप? 12 अक्टूबर को किस देश की कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने के लिए एक मसौदा कानून को मंजूरी दे दी है? तो कौन से कंट्री की कैबिनेट ने ये अप्रूवल किया है, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? यहाँ जो सही आंसर है वो ऑफ कोर्स बांग्लादेश होगा कि बांग्लादेश की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो मैक्सिमम या सर्वोच्च जो सजा होगी रेप की वो डेथ पेनल्टी होगी। और ये जो ड्राफ्ट लॉ आया है ये अमेंड करता है इन द प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रिप्रेशन एक्ट 2000 को जो बांग्लादेश में है उसको अमेंड करता है ये ड्राफ्ट लॉ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपुची सुरंग इज इन विच स्टेट या नेपुची टनल इज इन विच स्टेट, कौन से राज्य में ये नेपुची टनल जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है? सो ऑप्शन देखिए पहले क्या है फिर करेंगे डिस्कशन, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ का फाउंडेशन स्टोन रख दिया है नेपुची टनल को बनाने का। और ये कौन से रोड पे है, बालीपारा या से चर्दीदौर या तुआंग, ये जो रोड है वेस्ट कम्यून डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहां पर ये टनल बनाया जाएगा। ये कुछ 450 मीटर लॉन्ग टनल होगा विच विल बाईपास द एक्सिस्टिंग रोड्स विद अ डी शेप एंड इट विल बी अ डी शेप टनल। ठीक है, एंड कंप्राइज टू लेन्स ऑफ 3.5 मीटर विथ ईच। दो लेन का ही ये जो टनल है वो एक्चुअली बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ने रख दिया है ऑन 30th अक्टूबर। आई होप इट्स क्लियर। आज का देखते हैं आखिरी क्वेश्चन विच सेज डैश हैज स्टार्टेड अ नेशन वाइड कैंपेन टू सेलिब्रेट कामधेनु दीपावली अभियान। डैश ने कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने या फिर नीति आयोग ने?
और यहाँ जो सही आंसर है वो है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने शुरू किया है एक कैंपेन जिसका नाम है कामधेनु दीपावली अभियान, इस साल जो कि दीपावली फेस्टिवल के दौरान पर सेलिब्रेट किया जाएगा। इस कैंपेन के थ्रू क्या होगा कि जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है इज प्रमोटिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ काउडंग्स प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल। वो कहते हैं कि काउडंग का हम ज्यादा से ज्यादा या उसके प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे इस दिवाली फेस्टिवल में। राइट, सो आई होप इट्स क्लियर। आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर ऐसा है सो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा एंड लेट मी नो इफ यू लाइक इट और यू एंजॉयड इट और यू हैव लर्नड इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो देन आई विल सी यू टुमारो इन टुमारोज करंट अफेयर सेशन। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।